बाबा रिजवान अली और मुझे तकरीबन तीस साल हो गए फोटोग्राफी पढ़ाते हुए सबसे तो बड़ा कंट्रीब्यूशन मैं ये समझता हूँ नाइकन पाकिस्तान का जिसने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया टीचिंग के हवाले से और मैंने मैं समझता हूँ कि इसमें मैंने ख़ुद भी सीखा नाइकन पाकिस्तान के अलावा इस वक्त पाकिस्तान की तकरीबन जो पंजाब के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें फोटोग्राफी का जो मेन कोर्स है वो अलहमदिल्ला मैं पढ़ा रहा हूँ और एक क्रेडिट की बात यह है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पाकिस्तान का पहला फोटोग्राफिक या पाकिस्तान का पहला फोटो जर्नलिस्टिक डिप्लोमा वो मैंने इंट्रोड्यूस करवाया उसका स्क्रिप्ट उसकी डिटेल्स उसका आ, सब कुछ मैंने बनाया और वो पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से मीडिया स्टडीज़ डिपार्टमेंट मैडम नौशी के साथ मिलकर मैंने पाकिस्तान की सत्तर साल हिस्ट्री में पहली दफ़ा हमने इसको ऐड किया और इसके अलावा जो सबसे बड़ा जो मेरा क्रेडिट है जिसको मैं समझता हूँ कि मैं स्ट्रीट टीचिंग करता हूँ स्ट्रीट टीचिंग मींस कि मैं पाकिस्तान में वो शख़्स हूँ जिसने पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा कल्चर फुटवाक्स के वाले से क्रिएट किया कि आज ये एक ट्रेंड है कि जब भी बच्चे थोड़ा सा शौक करते हैं तो वो वर्ल्ड सिटी की तरफ आते हैं और आ, हमारे हेरिटेज को कल्चर को फोटोग्राफ करते हैं और आज हम करते हैं आ, कुछ फोटोग्राफ़ी एक छोटा सा ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर करूंगा लेकिन मैंने अपना जो ट्यूटोरियल डेवलप किया है उसकी जो स्टार्टिंग बनाई है उसमें हम बुनियादी कैमरा एक डी एक्स फॉर्मेट इस्तेमाल करेंगे अठारह पचपन का लेंस इस्तेमाल करेंगे ऑनलाइन फोटोग्राफी के हवाले से हर में पड़ी हुई एक छोटी सी टॉर्च सिंपल टॉर्च से प्रोडक्ट फोटोग्राफी करेंगे आप टॉर्च जितनी चाहे बड़ी कर लें उतना बड़ा आप प्रोडक्ट कर सकते हैं यानी कि इसका मतलब है कि आपके ऊपर किसी किस्म की कदगन नहीं है कि आप एकमेंट के वाले से आप परेशान हो एक एंट्री uh, लेवल का डी फिफ्टी फाइव हंड्रेड फिफ्टी थ्री हंड्रेड डी सेवनटी टू हंड्रेड सेवनटी फाइव हंड्रेड लेकिन इस वक्त जो गैप मैं देख रहा हूँ मार्केट में आप बिलीव कीजिए कि एक uh, आपकी सोसाइटी का सब्जी वाले से लेकर आपके एरिया का सबसे बड़ा सुपर स्टोर इस वक्त जो डिमांड कर रहा है वो मैक्सिमम अपनी प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेलिंग की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहा है तो प्रोडक्ट फोटोग्राफी का जो स्कोप है इवन कॉटेज इंडस्ट्री की फ़ोटोग्राफ़ी आप घरों में कुकिंग करते हैं तो आपको अपनी प्रोडक्ट्स की फोटोग्राफ करनी है आप स्टिचिंग करते हैं तो आप इस वक्त बाहर से फोटोग्राफ़र हायर नहीं कर सकते सबसे पहले हम बात करते हैं सेटअप की स्ट्रक्चर की कि अब आपसे मैंने बता तो दिया है कि हम डी कैमरा इस्तेमाल करेंगे गो के मैं एफ एक्स फॉर्मेट डी ए टन इस्तेमाल कर रहा हूँ लेकिन मैं उसे अपने इमेज सेंसर इमेज एरिया को क्रॉप करके डी एक्स कर दूंगा ये आप देख रहे हैं कि स्टैंड के साथ मैंने नीचे वेट एक बैग लटकाया हुआ है इसमें थोड़ी सी या समझ लें ईंटें पड़ी हुई हैं या ताले पड़े हुए हैं या चीज़ें पड़ी हुई हैं इसका बुनियादी पर्पज़ यह है कि घरों में उमूमा टाइलिंग हुई होती है या मार्बल लगा होता है तो स्टैंड थोड़ा सा स्लिप कर रहा होता है अगर आप वेट ट्राईपॉड पर लटका देते हैं तो फिर सारा वेट सेंट्रलाइज हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी आप काम कर रहे होंगे तो आपका कैमरा जर्क नहीं लेगा हमारे काम में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लेकिन अब जो लाइट मैं इस्तेमाल करूँगा वो लाइट uh, मैं आपसे शेयर करता हूँ अमूमा आपने देखा होगा कि पेनोरामा सेंटर में या आपके बुक स्टोर्स पे ऐसी एक लाइट मिल जाती है जब हम लैपटॉप पे काम कर रहे होते हैं तो ये एक छोटी सी एलईडी लाइट है मैं इस छोटी सी एलईडी लाइट को इस्तेमाल करूँगा सबसे पहले हम करेंगे जूलरी तो जुलरी के लिए मैंने एक फ्रेम घर पे कोई भी पुराना सेकंड हैंड फ्रेम पड़ा हो या बनाना पड़े और उसमें एक फिश वायर मैंने हैंग की हुई है दो अल्स लगाए हुए हैं ताकि इसको मैं स्टैंड कर सकूं या खड़ा कर सकूं इसके नीचे वेट रख दिया जाएगा या कोई बुक रख दी जाए ताकि ये हिले ना साथ में आ गई जी जुलरी यूज जुलरी है इस बात पर इतराज ना किया जाए कि इस पर स्क्रैच नज़र आ रहे हैं मैं एज ए ट्यूटोरियल इसको ले रहा हूँ तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो इशू क्रिएट करे अच्छा इसको हैंग करने के बाद यू शुड वेट फॉर अ सेकेंड मिनट के ये हिलना बंद कर दे कैमरा सेटिंग के हवाले से बात करते हैं तो कैमरा ऑब्वियसली uh, ट्राईपॉट पे होगा और कोशिश ये होगी कि ये इसके बिल्कुल पैरल सामने आ जाए मेरी प्रोडक्ट के सामने आते हैं एक्सपोयर की तरफ तो एक्सपोयर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी आईएसओ। नंबर वन आई एस ओ आई एस ओ मैं इस वक्त जो इस्तेमाल करूँगा वो हंड्रेड होगी अपर्चर एफ सिक्सटीन लूँगा लेवल होगा वो थर्टी सेकेंड होगा ये आपकी लाइट टॉर्च लाइट या एलईडी लाइट उसकी पावर स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली एक्सपोयर बनेगा लेकिन जो मेरा एक्सपोयर मेरा ख्याल है इस लाइट से जो बनेगा वो थर्टी सेकेंड मैं स्टार्ट करूँगा हमें पता चल जाएगा कि वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है अगर नहीं होगा तो मैं भी Uh, हो सकता है शर्ट स्पीड को स्लो डाउन करूं लेकिन मैं टेस्ट ट्रायल कर चुका हूं मेरा ख्याल है कि ये 30 सेकंड पे भी हम काम कर सकते हैं कैमरा मैंने व्यू फाइंडर के थ्रू बैलेंस कर लिया अपनी प्रोडक्ट को सेंटर में मैं ले आता हूँ और फोकस पॉइंट मैंने एक दफा इसके ऊपर रखने के बाद गौर कीजिए इसके बाद मैंने कैमरे को मैनुअल फोकस कर दिया कि मैं जितनी भी ट्राइज करूं जितनी भी कोशिश करूँ लेंस ये मुझे एक ऑप्शन दे रहा है कि मैं अपना डिस्टेंस हार्डली आठ इंच के करीब भी मैं काम कर सकता हूँ आप चाहें तो इसे दूर भी कर लीजिए लेकिन अगर आप किट लेंस पे काम कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली आपका जो मिनिमम फोकस डिस्टेंस मिलेगा वो वन फीट से थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा तो ये चीज़ आपके जेहन में रहनी चाहिए कि जो प्रोडक्ट जिस लेंस को आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसी के अकॉर्डिंगली आपको फोकस करने के लिए डिस्टेंस बनाना पड़ेगा मेन्यू uh, में से इसकी इन्फॉर्मेशन से मैंने इसका लेवल uh, निकाल कर इसको सीधा कर लिया हुआ है अब जो सेटिंग मेरी है सिंपल सेटिंग है मैं uh, आपसे पहले भी शेयर कर चुका हूँ मुझे दोबारा रिव्यू कर देते हैं हम इसको कि आई एस ओ हंड्रेड एफ सिक्सटीन जो लाइट हम इस्तेमाल करने जाने जा रहे हैं आपके साथ मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ छोटी सी एल लाइट है जो हम कंप्यूटर्स के साथ इस्तेमाल करते हैं लेकिन मुझे ये सारी इन्वायरमेंट की लाइट ऑफ़ करनी पड़ेगी लेकिन इससे भी पहले मुझे आपको उस पैटर्न को शेयर करवाना पड़ेगा कि मुझे लाइट चूँकि जो हम टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं ये लाइट पेंटिंग की टेक्निक है तो यूँ करके हमें लाइट देनी है जब हम लाइट्स ऑफ करेंगे तो हो सकता है हमारी ये लाइट छोटी सी लाइट भी दीवार की तरफ जाए हम पेंट कर रहे हैं तो थर्टी सेकेंड तक ताकि एक तो डिस्टेंस मेंटेन कर रहा हूं इस तरफ से ऊपर से और इसी पैटर्न पे मैं लाइट अपने सब्जेक्ट पे इवन आई कैन गो बैक साइड और थोड़ा सा बैक लेकिन एहतियात रहे कि आपकी लाइट कैमरे में ना जाए और यहाँ से भी और नीचे से भी ये लाइट पेंटिंग का पैटर्न होगा देखिए कि अगर मैं इस छोटी सी एल लाइट को भी बिल्कुल ऑफ किया हुआ है सारी इन्वायरमेंट की लाइट्स को मैंने तो मैं जब इसे पेंट कर रहा हूँ तो ला माला मेरी लाइट जो है वो बैकग्राउंड की तरफ जा रही है तो मैंने आपसे कहा था कि मैं एक बैरल इस्तेमाल करूँगा कि जो सिर्फ और सिर्फ मेरी प्रोडक्ट पर लाइट डाले और मैं पेंटिंग जब करूँ तो कहीं स्पिल ना करे और मेरी बैकग्राउंड पे ना जाए इसका मुझे ये एडवांटेज मिलेगा कि बैकग्राउंड मेरी बिल्कुल डार्क ब्लैक मिलेगी तो ये मैंने पेंटिंग स्टार्ट कर दी वन टू थ्री फोर फाइव एक साइड से करने के बाद सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टवेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन इवन मैं इसके सामने से भी क्रॉस कर सकता हूँ कोई इश्यू नहीं होगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आ, तस्वीर बना ली है मैंने लेकिन दोबारा मैं आपसे ये शेयर कर दूं कि लाइट जो थ्रू की है मैंने इस पर जो डा, लाइट डाली है वो शायद आपको लो लाइट कंडीशन में सामने नज़र ना आ रही हो लेकिन तरीका कार मैंने इसको बैरल के थ्रू इस बैरल के गत्ते की बैरल के थ्रू लाइट इसके ऊपर पेंट की ऐसे ऐसे और इस तरह से इवन इस लाइट को मैंने थोड़ा सा एहतियात से जाकर साइड से बिल्कुल साइड से इस एज से भी और इस एच से भी जैसे ही आप देख रहे होंगे कि कैमरे में आपको लाइट नजर आ रही है इस तरह से लाइट पेंटिंग की आपकी लाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितनी देर तक इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी पावर क्या है जी तस्वीर हमारी इसमें मेरे से जो गलती हुई आपसे भी हो सकती है लेकिन ऐसा कोई इशू नहीं है कि वो ये स्पिल स्पिल जो लाइट स्पिल है जो पेंट हो रहा है उस वो आ रही है लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है एंड रिजल्ट है वो बिल्कुल प्योरली क्लियर है आप देख सकते हैं कि इसमें कोई बाकी टोन्स का इशू नहीं है आप इसको डॉप में जाके एडिट कीजिए आपकी बेहतरीन इंटरनेशनल है इवन मैं ये बिलीव करता हूँ कि जब हाई एंड फोटोग्राफर्स भी फंस जाते हैं जूलरी फोटोग्राफी बहुत टफ समझी जाती है लेकिन जब आ, हम फंसते हैं तो हम तमाम बड़ी लाइटें छोड़कर छोटी से छोटी लाइट के साथ अपना काम करते हैं आ, लाइट पेंटिंग के थ्रू अब जुलरी को या ऐसी प्रोडक्ट्स को फोटोग्राफ करते हैं ताकि बेस्ट डिटेल्स हम ले सकें चीज़ जहन में रहे कि मैंने कन्वेंशनल जो तरीका कार होते हैं उमूा हम सॉफ्ट बॉक्सेस इस्तेमाल कर रहे होते हैं बॉन्डोज इस्तेमाल कर रहे होते हैं बड़ी बड़ी हैवी फ्लैश गन्स या लाइट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं रिफ्लेक्टर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं ये उन सारे कन्वेंशनल या प्रोफेशनल तरीकों से हट के एक अपनी तक जगह पे एक इंडिपेंडेंट सोर्स है जिसमें मैं ये समझता तो हूँ कि आपको लाइट को देखना समझना महसूस होगा सेकेंडली मैं आपको ये भी क्लेम करता हूँ कि पूरी दुनिया में जितने भी हाई एंड प्रोफेशनल्स हैं जब वो ज्वेलरी फोटोग्राफी में फंसते हैं तो वो इसी टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं शेयर नहीं किया जाता इस बात को शेयर नहीं किया जाता या बहुत कम लोग इसको शेयर करते हैं तौर पर मैंने लाइट पेंटिंग को ब्लेंड किया है लेकिन मैंने ब्लेंड नहीं किया एक्चुअली ये काम हम लोग करते हैं लाइट पेंटिंग से ही ज्वेलरी की बेस्ट दुनिया की तस्वीरें निकलती हैं अगर आप डायरेक्ट कंटिन्यूस लाइट्स भी इस्तेमाल कर लीजिए तो वो स्टैटिक वन लाइन में जा रही होती हैं तो वो शायद इतनी डिटेल नहीं क्रिएट कर